प्रोजेक्ट है, ठीक है। टॉपिक डालो अब, रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी एंड प्रोजेक्टाइल। रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी एंड प्रोजेक्टाइल, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग पढ़ ही चुके हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी आपको जब मैंने आपको पढ़ाया था क्या, मोशन इन वन डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन मोशन, तो वहां पर हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन करे थे, ठीक है। अब देखो, सपोज करो रिलेटिव मोशन क्या करता है, हमारे क्वेश्चन को एक्चुअल में आसान करता है। जैसे मान लो एक 50 मीटर की बिल्डिंग है, इसकी हाइट है 50 मीटर, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को मैंने 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, ए को मैंने 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, सेम इंस्टेंट पर बी को भी मैंने 10 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ थ्रो किया, मुझे बताना है ये कितने टाइम बाद मिलेंगे और किस डिस्टेंस पे मिलेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है जब एयर में होंगे, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, अगर आप इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बोलोगे, आप डायरेक्शन ले लो, यहां पे ऊपर की तरफ हम लोग डायरेक्शन लेंगे पॉजिटिव और नीचे की तरफ हम डायरेक्शन लेंगे नेगेटिव, ठीक है। ऊपर की तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे की तरफ डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे, तो यूए कितना आएगा, यूए आएगा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यूए मैं लिखूंगा 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी लिखूंगा मैं कितना, -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नीचे की तरफ जा रहा है ये और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे एक्सीलरेशन ऑफ बी, ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ बी, बी का एक्सीलरेशन कितना है, तो बी का एक्सीलरेशन आपको पता है -g लग रहा है नीचे की तरफ, और ए का एक्सीलरेशन क्या है, ए का एक्सीलरेशन भी -g ही लग रहा है, क्योंकि इसको हम थ्रो कर रहे हैं, तो फोर्स कौन लगा रहा है इस पे, हमने तो थ्रो कर दिया, तो थ्रो करने के बाद में फोर्स कौन लगा रहा है, ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, तो दोनों का जो एक्सीलरेशन होगा -g नीचे होगा। तो अगर मैं बोलूं एक्सीलरेशन ऑफ ए या एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा, तो एक्सीलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए निकालोगे आप, तो देखो ये भी -g, ये भी -g, तो कितना आएगा, जीरो। आप चाहो तो वैल्यू पुट कर दो, -g माइनस -g, तो कितना आएगा, जीरो आएगा। आप बोलोगे एक्सीलरेशन ऑफ बी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालोगे, तो ub माइनस ua, ub कितना आपका, -10 तो होगा -20 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए हो जाएगा आपका -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप लोगों को डिस्टेंस पता है बी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर, ए के रेस्पेक्ट में बी जब दोनों मीट करेंगे तो बी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, बी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 50, एक्सीलरेशन जीरो है, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं एस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस रिलेटिव, यू रिलेटिव, ए रिलेटिव, ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि एक्सीलरेशन रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या है, जीरो, एस कितना है आपका, एस अगर आप देखोगे इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी नीचे की तरफ, तो माइनस का 50 लेंगे हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, -20 × t, तो t इक्वल टू आ जाएगा यहां से 5/2 सेकेंड, तो 5/2 सेकेंड बाद दोनों मीट करेंगे। किसी को डाउट है सर, वहां डिस्टेंस माइनस में क्यों हुआ, डिस्टेंस माइनस में क्यों हुआ। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं किसका,
हमको डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी विद रेस्पेक्ट टू ए निकालना है, मतलब मैं किस पे खड़े होकर किसको रेस्ट पे ले रहा हूं, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको रेस्ट पे लेते हैं, ए को रेस्ट पर, आप ए पे बैठे हो और बी को देख रहे, तो बी के रेस्पेक्ट में ए जो है वो नीचे की तरफ आ रहा, सॉरी ए के रेस्पेक्ट में बी जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, yes, sir. इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, तो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, नेगेटिव में लिखा मैंने, आया समझ में? yes, sir. ठीक है, कोई डाउट है और yes. किसी को कोई डाउट? आर्यन? नो सर. नो? यस सर, नो डाउट है. ठीक है, अब हमको निकालना है कि ये कितनी डिस्टेंस पर मिलेंगे, तो ये कैसे निकालेंगे कितनी डिस्टेंस पर मिलेंगे. मुझे पता चल गया जो टाइम होता है, मैंने बताया था टाइम भी जो होता है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, तो टाइम, ठीक है, तो टाइम भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है. तो आपको पता चल गया कि ये 5/2 सेकंड बाद मिलेंगे, कितने सेकंड बाद मिलेंगे, 5/2 सेकंड के बाद मिलेंगे. तो 5/2 सेकंड में बी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा निकाल सकता हूं क्या मैं? इसको भूल जाओ, अब 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है 5/2 सेकंड में, एक्सीलेशन का नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा देंगे हम लोग, टाइम हमको पता है 5/2. एस बराबर क्या हो जाएगा, यू आपका है 10, नीचे की तरफ इसलिए माइनस ले लो, टाइम है आपका 5/2 प्लस हाफ जी अगेन माइनस है टी का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर 25/4, सॉल्व कर दो इसको, 25 जा 10, एस इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5/5 जा 25, यहां से कुछ कट रहा है, 2/5 जा 10, 25/5 जा माइनस 125/4, सॉल्व करो इसको, एस इक्वल टू हो जाएगा -100 -125/4, सॉल्व करोगे इसको -225/4, 4/4 = 25, 4/4 = 20, 4/6 = 24, 4/2 = 8 और 4/5 = 20, तो 56.25 कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये बी नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये किस डिस्टेंस पे मिलेंगे, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये, 56.25 मीटर, कितनी डिस्टेंस, 56. ऊपर से 56.25 डिस्टेंस पर मीट करेंगे, इस पॉइंट पे मीट करेंगे, ये मीट करेंगे मीटिंग पॉइंट. तो अगर हमको टाइम पता चल जाए तो हम लोग किस पॉइंट पे डिस्टेंस मीट करेंगे वो भी निकाल सकते हैं, आया समझ में? चलो क्वेश्चन बनाते हैं, एक बिल्डिंग ले लेते हैं, कितनी हाइट की ले लेते हैं, 100 मीटर की हाइट की, यहां से एक बी इसको ड्रॉप किया मैंने, ड्रॉप किया मतलब ऐसे रिलीज किया, ड्रॉप किया मतलब रिलीज किया, और उसी इंस्टेंट पर मैंने यहां से एक स्टोन बी को ए को ऊपर की तरफ थ्रो किया, कितनी वेलोसिटी से मान लो 20 मीटर पर सेकंड, 20 नहीं लेते 50 लेते, 50 मीटर पर सेकंड से, फाइंड टाइम व्हेन दे मीट, फाइंड टाइम एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिख दो कुछ भी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी व्हेन दे मीट, जब दोनों मीट करेंगे तो कितने टाइम बाद मीट करेंगे और किस डिस्टेंस पे मीट करेंगे ये निकालना है आपको. सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग. हाँ चलो सॉल्यूशन देखो इसका, किसको रेस्ट पे लें, किसी की वैल्यू निकालो, यू रिलेटिव कितना हो जाएगा, यू ए माइनस यू बी या यू बी माइनस यू ए कितना आएगा, डायरेक्टली 50 - 0 कर दो कितना आएगा, 50 मीटर पर सेकेंड, और ए रिलेटिव कितना होगा, रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 है पता है आप लोगों को,
डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 50 मीटर डायरेक्ट लिखो सॉरी 50 नहीं 100 एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 100 मीटर अगर मैं एक को रेस्पेक्ट रखूं तो दूसरे का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 100 मीटर आप क्या फॉर्मूला लगाओगे एस रिलेटिव डायरेक्टली यू रिलेटिव इनटू टी कर दो क्योंकि ए रिलेटिव तो जीरो है टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा एस रिलेटिव डिवाइडेड बाय यू रिलेटिव एस रिलेटिव कितना है 100 यू रिलेटिव कितना है 50 आंसर आ जाएगा टी इक्वल टू 2 सेकेंड 2 सेकेंड बाद दोनों मीट करेंगे अब मुझे ये निकालना है इसको भूल जाओ 2 सेकेंड में ये कितना नीचे आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो ये मुझे पता है सर डिस्टेंस 80 निकल रहा है 80 मीटर हाँ चलो देखो तो एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ठीक है आप चाहो तो नीचे की तरफ जी को नीचे की तरफ नेगेटिव मानो ऊपर की तरफ पॉजिटिव एस बराबर यू टी इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो बी की वेलोसिटी क्या है जीरो इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ जी कितना है माइनस का टेन टी कितना है 2 सेकेंड 2 का स्क्वायर 1 2 से 1 2 कैंसिल एस इक्वल टू कितना जाएगा माइनस 20 मीटर तो ये कितने नीचे आएगा माइनस 20 मीटर आएगा 20 मीटर की डिस्टेंस पर मिलेंगे यहाँ पे नीचे से 80 ऊपर से 20 आया समझ में क्या रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल में देखो रिलेटिव मोशन प्रोजेक्टाइल में भी क्या हो रहा है दो बॉडी को मैं इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा हूं एक ही साथ तो दोनों पे जी जो लग रहा है नीचे की तरफ लग रहा है तो दोनों का रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होगा जीरो होगा तो रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल तो ये लो ग्राउंड यहां से पहले वाले ऑब्जेक्ट इसको यू वन वेलोसिटी से कहा कितने एंगल पर थीटा वन पर इसको प्रोजेक्ट किया मैंने तो आपको कंपोनेंट निकालना आता ही है इस तरफ इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा यू वन कॉस थीटा वन और ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा यू टू साइन थीटा टू ठीक है सेम टाइम पर ये ए था सेम टाइम पर बी को भी मैंने प्रोजेक्ट किया कितना एंगल पर थीटा टू एंगल पर ठीक है कितनी वेलोसिटी से यू टू वेलोसिटी अगेन इसके भी कंपोनेंट करूंगा इस तरफ कंपोनेंट आएगा यू टू कॉस थीटा टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा यू टू साइन थीटा टू ठीक है तो अगर मैं यू वन लिखू यू वन कितना होगा साइन थीटा वन होगा ना सर हाँ उधर सर पहला वाला में यू टू साइन थीटा वन यू टू साइन हाँ सॉरी यू टू साइन थीटा वन ठीक है यू टू साइन थीटा वन सॉरी यू वन साइन थीटा वन ठीक है यू वन साइन थीटा वन होगा यू वन वेलोसिटी है तो यू वन साइन थीटा वन ठीक है तो यू वन को मैं कैसे लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में मान लो इस तरफ प्लस एक्स है ऊपर वाई है तो यू वन कॉस थीटा आई कैप प्लस यू टू साइन सॉरी यू वन साइन थीटा वन जे कैप ऐसे लिख सकता हूं यू टू वैक्टर को कैसे लिख सकता हूं मैं U2 cos theta 2 i cap plus U2 sin theta 2 j cap acceleration of one minus g होगा और सेकेंड वाले का acceleration भी क्या होगा माइनस g होगा नीचे की तरफ तो relative acceleration क्या आ जाएगा a relative आ जाएगा जीरो ठीक है a relative क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा ठीक है इसको वन बोल दो टू बोल दो तो किसी भी एक की वेलोसिटी भी दूसरे के रेस्पेक्ट में यू टू वन बोलो या यू वन टू तो यू टू वन कितना हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन दैट इज यू टू वैक्टर माइनस यू वन वैक्टर तो यू टू में से यू वन घटाऊंगा देखो तो कितना आएगा इसके पास आई कैप है इसके पास आई कैप है तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं उसको यू टू कॉस थीटा टू माइनस U1 cos theta 1 i cap plus इसके पास j cap U2 sin theta 2 इसके पास भी j cap तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो j cap कॉमन तो कितना आ जाएगा U2 sin theta 2 minus U1 sin theta 1 j cap
ठीक है, एक्सीलरेशन नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी है, और वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है आपको, ठीक है। तो अगर इसको रब कर रहा हूं मैं, तो मैंने क्या निकाला यहां पे, वेलोसिटी ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन, मतलब किसको रेस्ट पे कर दिया मैंने, वन को रेस्ट पे कर दिया। तो वन अगर बी को देखेगा, टू को देखेगा, तो टू जो है वो ऐसे जाता हुआ नजर आएगा इसको, अगर टू को मैंने रेस्ट पे कर दिया, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, u2 cos theta 2, u cos theta 2, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इसमें कोई एक्सीलरेशन वगैरह नहीं है। तो अगर a फर्स्ट सेकंड को देखेगा तो वो स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ नजर आएगा, वो ऐसे जाता हुआ नजर आएगा स्ट्रेट लाइन में। तो कभी भी दो प्रोजेक्टाइल जब हम फेंकते हैं साइमल्टेनियसली और एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखते हैं, तो उसका पाथ जो होता है, उसका जो पाथ वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखेंगे तो उसका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो आप लिख सकते हो रिलेटिव पाथ ऑफ टू प्रोजेक्टाइल विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, टू प्रोजेक्टाइल विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर इज स्ट्रेट लाइन, उनका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, ठीक है। अगर एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखेंगे तो उनका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं छोटा, चलो अब मैं चाहता हूं कि मुझे जो टू है वो वर्टिकली दिखे, वर्टिकली सीधा जाता हुआ दिखे, तो मतलब दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तभी वो मेरे को ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो दोनों का जो आई वाला जो वेक्टर है, मतलब फॉर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, मैं चाहता हूं कि जो मुझे टू है वो सीधा जाता हुआ दिखे ऊपर की तरफ, इसका मतलब दोनों की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो u1 cos थीटा 1 बराबर होगा u2 cos थीटा 2 के, और फॉर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मैं चाहता हूं कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को स्ट्रेट लाइन में जाती हुई दिखे हॉरिजॉन्टली, तो इसका मतलब दोनों जो है वो सेम स्पीड से ऊपर जानी चाहिए, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। u1 sin थीटा 1 इक्वल टू होना चाहिए u2 sin थीटा 2 के, तब उसको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन दिखेगा पाथ। यहां तक बात समझ में आई, किसी को डाउट है?